नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगिड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओटी क्रॉनिकल्स विद मुकेश में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपने पहले के जो दो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देखिए, उनको समझिए। अब हम समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शुरुआत कैसे होती है। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों जब मिलते हैं तो उसको हम एक साथ में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसको समझने से पहले मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, जिसके अंदर एक तो होती है न्यूरोग्लिया, एक होती है अपनी मेनिंजीज, तीसरी होती है वेंट्रिकल्स। जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है ये नॉन एक्साइटेबल होती है। जिस प्रकार से न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का आवागमन होता है, उसी प्रकार से जो ग्लियल सेल होती है उसके अंदर न्यूरॉन्स का आवागमन नहीं होता। जैसे अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती है वैसे ही ग्लियल सेल होती है। ये ग्लियल सेल सिर्फ न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लिया होती है वो चार प्रकार की होती है, जिसके अंदर चारों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे एक सेल होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है, एक सेल होती है वो माइलिन शीथ का निर्माण करती है, एक सेल होती है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड काम करती है या फिर फेगोसाइटिक का काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेनिंजीज के ऊपर। मेनिंजीज क्या होता है कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उनको कवर करती है या फिर उनको ढकने वाली जो परतें होती है उनको हम मेनिंजीज बोलते हैं। मेनिंजीज के अंदर तीन प्रकार की परतें होती है, एक तो होती है ड्यूरा मैटर, एक होती है एरेक्नोइड मैटर, एक होती है पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर है उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। फिर हम और अंदर चलते हैं तो एरेक्नोइड और पाया मैटर होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। इसी एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड का परिवहन होता है या फिर इसी के अंदर वो चलता रहता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल खाली स्पेस होता है या फिर होलो स्पेस होता है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक ब्रेन है और ब्रेन के बीच में ये आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जो स्पेस होता है इसको हम वेंट्रिकल बोलेंगे या फिर होलो स्पेस बोलेंगे या फिर खाली स्पेस होता है। इस प्रकार से ब्रेन के अंदर चार अलग अलग स्पेस होते हैं, दो स्पेस होते हैं अपने राइट और लेफ्ट के अंदर, ये सी शेप के अंदर होता है, बीच में होता है, ब्रेन के बीचों बीच होता है और सी शेप के अंदर स्पेस होता है, एक होता है राइट के अंदर, एक होता है लेफ्ट के अंदर। वेंट्रिकल एक हो गया, वेंट्रिकल दो हो गया। फिर बाद में तीसरा वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे ब्रेन के अंदर बीचों बीच में एक स्पेस एक और होता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड वेंट्रिकल के नीचे थोड़ा सा अपन नीचे जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि एक और स्पेस मिलता है हमें, इसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इस प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल होते हैं, इन चारों वेंट्रिकल में सीएसएफ का निर्माण होता है, ये सीएसएफ हमारे ब्रेन में कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।